कोडिंग ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के इस एंड्रॉइड कोडिंग ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम अपनी जो एप्लीकेशन होती है उसके एक्शन बार और स्टेटस बार को हाइड कर सकते हैं। सो उसके लिए दो मेथड्स है एक्शन बार को हाइड करने के लिए। सो फर्स्ट मेथड जो है वो परमानेंटली है, मतलब पूरी एप्लीकेशन में से अपना एक्शन बार हाइड हो जाएगा। और जो सेकेंड मेथड है वो पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए है। अगर हम किसी भी एक एक्टिविटी के अंदर जो एक्शन बार है उसको हाइड करना चाहते हैं तो वो सेकेंड मेथड वर्क करेगा। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से। सो फर्स्ट मेथड है कि थीम डॉट एक्सएमएल फाइल में आकर हमारी जो पेरेंट थीम होती है उसको डे नाइट डार्क एक्शन बार की जगह पर हम लिख देंगे नो एक्शन बार। सो इससे हमारी जो पूरी एप्लीकेशन है उसकी थीम नो एक्शन बार हो जाएगी। मतलब अब हमें जब भी एक्शन बार चाहिए तो हमें नया टूल बार बनाकर उसको एक्शन बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मगर अगर हम इसे सेम टू सेम यही रख के सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टिविटी जो स्प्लैश स्क्रीन होती है उसके अंदर अगर हमें हाइड करना है अपना एक्शन बार, सो मैं उसके लिए फर्स्ट टूल बार बनाना सिखा देता हूँ। सो टूल बार बनाएंगे और पास कर देंगे टूल बार और फिर क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टूल बार इज इक्वल टू न्यू टूल बार। सो अभी हम न्यू टूल बार करके पास कर देंगे दिस कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद सेट सपोर्ट एक्शन बार और यहाँ पे हम पास कर देंगे टूल बार। अगर आपने परमानेंटली मेथड यूज़ किया है तो आपको ये कोड लिखना पड़ेगा। अगर आपने ये वो नहीं यूज़ किया है और डार्क एक्शन बार ही यूज़ किया है सो आपको लिखना है गेट सपोर्ट नॉट गेट सर्च इवेंट बट गेट सपोर्ट एक्शन बार और गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट हाइड। सो इस मेथड को इम्प्लीमेंट करने के बाद आपका जो एक्शन बार है वो हाइड हो जाएगा। और उसके बाद अगर हमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो स्टेटस बार है उसको हाइड करने के लिए गेट विंडो मैनेज गेट विंडो डॉट गेट विंडो मैनेजर नॉट गेट विंडो मैनेजर डॉट सेट फ्लैक्स। सो सेट फ्लैक्स के अंदर हम पास करेंगे विंडो मैनेजर। सो विंडो मैनेजर डॉट लेआउट फ्रेम्स सो लेआउट फ्रेम्स डॉट फ्लैग फुल स्क्रीन और फिर कॉमा करके सेकेंड पैरामीटर सेम टू सेम यही आएगा। सो विंडो मैनेजर डॉट लेआउट फ्रेम्स डॉट फ्लैग फुल स्क्रीन। सो इसकी मदद से हम स्टेटस बार को भी ऐड कर लेंगे। सो अभी मैं आपको फिर से दोहराता हूँ कि हमने इसमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन किए हैं। सो सबसे पहले अगर हमें पूरी एप्लीकेशन को परमानेंटली हमें डिसेबल करना है एक्शन बार तो हम थीम्स डॉट एक्सएमएल फाइल में आकर ये जो डे और नाइट दोनों थीम है इसके अंदर थीम्स डॉट एक्सएमएल और यहाँ पे हमें डार्क एक्शन बार की जगह पर लिखना होगा नो एक्शन बार और यहाँ पे भी नाइट वाले में भी सेम वही चीज़। सो यहाँ पे मटेरियल कंपोनेंट नो एक्शन बार सो नो एक्शन बार और इससे परमानेंटली सो रिजोल्व हो जाएगी कि हमारे पास एक्शन बार नहीं आएगी। मगर अभी हमें एक्शन बार चाहिए और फिर भी हमें हाइड करना है तो हमें मेन एक्टिविटी में आकर गेट सपोर्ट एक्शन बार मेथड यूज़ करते हुए हाइड कर देना है अपनी मेथड को। सो गेट नॉट गेट सेट बट हाइड जिससे हमारी सपोर्ट एक्शन बार हाइड हो जाएगी और विंडो गेट विंडो डॉट सेट फ्लैक्स और इसके अंदर हमें पास करना है विंडो मैनेजर डॉट लेआउट फ्रेम्स डॉट फ्लैग फुल स्क्रीन एंड कॉमा फ्लैग फुल स्क्रीन।
फ्लैग फुल स्क्रीन नॉट डायरेक्ट, बट हमें फिर से लिखना पड़ेगा विंडो मैनेजर डॉट लेआउट फ्रेम्स डॉट फ्लैग फुल स्क्रीन। सो अभी हमने ये स्टेटस बार और वो दोनों हाइड कर दिया, मगर अब जब टोस्ट शो करवाना है तो मैं लिखना होगा टोस्ट, और फिर यहाँ पे क्रिएट अ न्यू टोस्ट पर क्लिक करके हम यहाँ पर टोस्ट क्रिएट करवा सकते हैं। सो मैंने क्रिएट दिस डॉट गेट सिंपल नेम और मेन एक्टिविटी डॉट दिस वेलकम, बट हम यहाँ पे एक कस्टम मैसेज ही शो करवा देते हैं। सो दिस इज सब्सक्राइब कोडिंग ट्यूटोरियल्स। सो ये हमारी कस्टम टोस्ट शो हो जाएगी। सो इससे हम टोस्ट कहते हैं। और भी एक चीज हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग कोडिंग ट्यूटोरियल्स।